Moreover, various authorities and agencies utilize the power of media to spread informative messages to public. इसके अलावा मुख्तलिफ हुकूमती और एजेंसियाँ मीडिया की कुव्वत को मुख्तलिफ मालूमाती पैगामात लोगों तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल करती हैं. This may include warning against a storm or epidemic, delay in arrival or departure of flights and trains, etc. इसमें तूफान या किसी वबा के बारे में इंतबाह, जहाज़ों और ट्रेनों की आमद रफ में ताखीर वगैरह शामिल हैं. In some cases, it is legally binding to publish notices in Peshawar in newspaper like tenders, change of property, ownership, etc. बाज़ मामलात में ये कानूनी तौर पर भी कानूनी तौर पर लाजम है कि कुछ ख़ास नोटिस अखबार में शाये किए जाएँ, जैसे कि टेंडर नोटिस, जायदाद की तब्दीली या मलकियत वगैरह. Almost all business concern uses the power of media to sell their products. तकरीबन तमाम कारोबारी हजरात अपनी मसनूआत बेचने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. They advertise in media for the enhancement of business purposes. वो कारोबार की तरक्की के लिए इश्तहारात देते हैं मीडिया में. Huge amounts of money huge amount of money is invested in media for marketing of product. अपनी मसनूआत की तशहीर के लिए मीडिया में बहुत बड़ी रकम खर्च की जाती है. द मोर अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट द मोर पीपल विल फॉलो इट. जितना ही एक एडवर्टाइजमेंट एक इश्तहार अट्रैक्टिव होता है, दिलकश होता है, पुरकशिश होता है, उतना ही लोग उसके पीछे होते हैं. लास्टली आखिर में, इवन दो देयर आर लॉट ऑफ प्लस पॉइंट्स फॉर यूज़ ऑफ मीडिया, अगरचे बहुत से अच्छे मकासद भी हैं मीडिया के, बट देयर आर आल्सो मेनी डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद इट. लेकिन इसके साथ कुछ नुकसान भी हैं. मीडिया हैज़ बैड इफेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग बैड आइडियाज़ थ्रू एडवर्टाइजमेंट. मीडिया का बुरा यह असर है कि इश्तहारात के ज़रिए ये बैड आइडियाज़ गलत ख्याल या गलत नज़रियात वो जहन में पैदा कर देते हैं. पीपल आर फोर्स टू बाय हार्मफुल और सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स. लोगों पर ये जोर दिया जाता है कि वो नुकसानदेह और गैर मयारी सबस्टैंडर्ड गैर मयारी चीज़ें ख़रीदें. समटाइम्स द मीडिया डिवेलप्स अननेसेसरी सेंसेशन एंड डिस्टॉर्शन ऑफ ट्रुथ टू अट्रैक्ट अटेंशन. बाज़ औक़ात मीडिया तवज्जो हासिल करने के लिए गैर ज़रूरी सनसनी फैलाती है और सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है. बिकॉज ऑफ इट्स पावर टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया कैन मेक और ब्रेक द गवर्नमेंट. लोगों की राय बनाने की वजह से हुकूमत के बनाने या तोड़ने में मीडिया असरअंदाज हो सकता है. In respect of above actualities, it is trusted that the government and the general public will try their hardest to use media positively. ऊपर सारे हकायक के तनाजर में ये बात यकीन से कही जा सकती है कि हुकूमत और आम लोग मुस्बत तरीके से मीडिया को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे. Thanking in anticipation, पेशगी में आपका शुक्रिया. Sincere regards, مخلص تسلیمات and your name, ابرار خان. Dear cadets, اس کے ساتھ third اور last ویڈیو کا اختتام ہوا. Dear cadets, یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں, آپ کے وقت کے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہیں. پلیز ان کو پڑھیں, इनको समझें, बुक खोल कर मेरी वीडियो को सुना करें और हर मीनिंग पर तवज्जो दिया करें. अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें. अपने दोस्तों और रिश्तेदारों अजीज़ों को भी ये सजेस्ट करें. ये आप सबके फ़ायदे के लिए है. बहुत शुक्रिया.